नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ई संजीवनी से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं बिहारवासी। लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। बिहार के सोनू ने ठुकराया सोनू सूद का ऑफर। सीएम ने अंगवस्त्र देकर दोनों ही खिलाड़ियों को किया सम्मानित। बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने यूपीआई से मांगे पेमेंट के सारे डिटेल्स। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ई संजीवनी से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं बिहारवासी। बिहार में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम किया जा रहा है, वो भी डिजिटल तरीके से। इस बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में ई संजीवनी की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसके जरिए सुदूर बैठे मरीजों को मुफ्त ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। नतीजतन महज 14 महीने यानी कि 30 अप्रैल 2014 तक राज्य के सभी 38 जिलों में 12,89,602 लोगों ने ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन के द्वारा चिकित्सीय परामर्श लिया और अपना उपचार कराया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूरे राज्य में सारण जिले में सबसे ज्यादा 82,887 लोगों ने ई संजीवनी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। मालूम हो कि बीते साल फरवरी में ई संजीवनी की शुरुआत हुई थी। लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह लालू प्रसाद यादव के कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव का रेल मंत्री रहते हुए 276 लोगों का बिना परीक्षा दिए रेलवे में भर्ती करवाने का है। वहीं इस छापेमारी को राज्य जातीय जनगणना से जोड़ रही है। सीबीआई की छापेमारी कहीं नीतीश कुमार को चेतावनी तो नहीं है, ऐसी बातें कही जा रही है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती हुई नजदीकी भाजपा को असहज कर रही है। छापेमारी के समय का चयन तो इसी तरफ इशारा कर रहा है, अन्यथा इतने पुराने मामले में अब तक नींद में सोई सीबीआई अचानक कैसे जाग गई, वो भी जब नीतीश कुमार जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। बिहार के सोनू ने ठुकराया सोनू सूद का ऑफर। बिहार के सोनू को अभिनेता सोनू सूद का ऑफर अच्छा नहीं लगा है। सोनू ने सोनू सूद का ऑफर ठुकरा दिया। दरअसल बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले सोनू, जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री से किए गए बातचीत के बाद वायरल हो रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री से अपील करते देखे गए थे। इसके बाद अभिनेता सोनू सूद ने नालंदा के सोनू के लिए पूरी पढ़ाई और हॉस्टल का बंदोबस्त कर दिया था। इसकी जानकारी सोनू सूद ने ट्विटर के माध्यम से दी थी। इसके बाद नालंदा के सोनू का भी बयान सामने आया। सोनू ने वाकई सरकार की तरफ से दिल छू लेने की बात कही है। इस छोटे बच्चे ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बेहतर स्कूल में मेरा दाखिला नहीं करवाते हैं तो मैं सोनू सूद जी के पास जरूर जाऊंगा। अगले 3 दिन तक थंडर स्टॉर्म को लेकर के अलर्ट जारी। गुरुवार को दोपहर में जबरदस्त तपिश और वायुमंडल में बढ़ी हुई नमी के संयोग से पश्चिम में गोपालगंज से लेकर पूर्व में कटिहार तक जबरदस्त आंधी चली। आंधी के साथ साथ कई जगहों पर पानी भी बरसा। आंधी के दौरान पेड़ झोपड़ी गिरने और ठनके से राज्य भर में काफी क्षति हुई। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 लोगों के मरने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन भी पूरे बिहार में थंडर स्टॉर्म का अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन थंडर स्टॉर्म जिस भी रास्ते गुजरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर देते देखा गया। खासकर दक्षिणी भाग के लोग जिस तरह गर्मी से परेशान थे, ये तूफान जैसी तेज हवा ने एक बार फिर से इन लोगों को बर्बाद कर दिया। सीएम ने अंगवस्त्र देकर दोनों ही खिलाड़ियों को किया सम्मानित। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस बीच बिहार के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी एक बैडमिंटन प्रतियोगिता तो वहीं दूसरे ने राइफल शूटिंग में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी दुनिया में अपने देश के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दोनों ही खिलाड़ी को यानी ऋतिक आनंद को 15 लाख रुपए, अभिषेक कुमार को 2 लाख रुपए का चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मालूम हो कि ब्राजील में 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन हुआ था, जिसमें ही बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर के ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता था और वहीं राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में बाढ़ के अभिषेक कुमार ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने यूपीआई से मांगे पेमेंट के सारे डिटेल। यूपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में लगातार छापेमारी और पूछताछ जारी है। बीपीएससी पीटी के पेपर लीक में जांच अब अभ्यर्थियों की पहचान और पैसों के लेन देन पर टिक गई है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन की रिमांड पर लिए गए सुधीर कुमार सिंह और राजेश कुमार से गुरुवार को दिन भर एसआईटी में शामिल पुलिस अफसरों ने पूछताछ की। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को भी चिन्हित किया गया जो इस सिंडिकेट के संपर्क में थे और पैसों का भुगतान भी कर चुके थे। बताया जाता है कि इस गिरोह का कोई फिक्स रेट नहीं था। जैसे अभ्यर्थी उनके संपर्क में आए
और वैसी डील हुई उसी के हिसाब से पैसे लिए जाते थे और अब एसआईटी को पेपर लीक कांड में बड़े पैमाने पर पैसों के लेन देन के सबूत मिले हैं जो कि सबसे ज्यादा यूपीआई से हुए हैं। ऐसे में एसआईटी ने यूपीआई से पेमेंट के सारे डिटेल्स मांगे हैं। मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार समेत इन लोगों को मिली नियमित जमानत। राज्य के निगरानी ब्यूरो ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार समेत अन्य के विरुद्ध विश्वविद्यालय के पैसों के हेरफेर के मामले में आईपीसी की धारा 120 बी, धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पुष्पेंद्र कुमार वर्मा समेत हिंदी विभाग के प्रोफेसर सह लाइब्रेरी इंचार्ज विनोद कुमार सिंह और सहायक सह कुलपति के निजी सचिव सुबोध कुमार को नियमित जमानत दे दी। जस्टिस ए एम बदर ने इन तीनों द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अभी तक 28 लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड किए गए निरस्त। राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 31 मई तक विशेष अभियान चलाकर वैसे राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है जो कि मान्य नहीं है। मालूम हो कि ये राशन वैसे परिवार को दिए जाते हैं जिस परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। ऐसे में इस बीच राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग ने अभी वैसे 28,79,116 राशन कार्ड को रद्द कर दिया है जो कि इनका पालन नहीं करती है। आपको बता दें कि ये अभियान 31 मई तक चलाया जाना है और इस कानून के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की जाँच कर उन्हें रद्द किया रहा है। कैनरा रोबिको म्यूचुअल फंड ने इस विद्यालय में किया साइकिल वितरण। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम के तहत राजकीय उड़ेहन बालिका उच्च विद्यालय बिहटा में 50 छात्राओं को कैनरा रोबिको म्यूचुअल फंड पटना की तरफ से साइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर कैनरा रोबिको के पूर्वी जोन के हेड संजय चौरसिया और बिहार झारखंड के क्लस्टर प्रमुख रानेश उपस्थित रहे। साथ ही यहां विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मंजू दत्ता ने सारे छात्राओं को पढ़ाई के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित किया। साथ ही कैनरा रोबिको को धन्यवाद दिया। इस दौरान विद्यालय की शिक्षिका सुमन कुमारी, पूजा कुमारी, शिक्षक डॉक्टर मुकुल रंजीत कुमार मौजूद रहे। साथ ही शिक्षकों ने छात्राओं को बधाई भी दी है। बिहार को मिले 170 नवनियुक्त कृषि पदाधिकारी। कृषि सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार की अध्यक्षता में बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने 170 नवनियुक्त कृषि पदाधिकारियों के बीच प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का वितरण किया। इसके साथ ही उन्हें पद स्थापित भी कर दिया गया। ये पदाधिकारी कृषि विभाग में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसंचित बिहार कृषि सेवा कोटि 1 के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक एवं समकक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। ये सभी पदाधिकारी 30 मई से अपने अपने जिला कृषि पदाधिकारी एवं 18 जुलाई से विभिन्न योजनाओं के नोडल पदाधिकारी मुख्यालय बोर्ड निगम के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 18 जून तक कर सकते हैं सीयूईटी पीजी 2022 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन। केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आप पीजी में नामांकन करवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए उससे पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी यूजीसी के चेयरमैन ने दी है। उन्होंने कहा है कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया गुरुवार शाम से शुरू है जिसकी अंतिम तारीख 18 जून है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीयूईटी पीजी 2022 परीक्षा का आयोजन करेगी जो कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पूर्व सांसद विजय कृष्ण और बेटे चाणक्य को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। साल 2009 में श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में जान लेने के मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर दिया है। मालूम हो कि साल 2009 में श्रीकृष्णपुरी थाना क्षेत्र में जान लेने का मामला सामने आया था। इसमें पटना सिविल कोर्ट ने साल 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर कर चुनौती दी गई। इसको लेकर कई दिनों तक बहस भी चली। अब पटना हाईकोर्ट ने विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य को आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर दिया है। पंचायती राज मंत्री के नेक इरादे के बीच नहीं हुआ तेज आंधी बारिश का असर। गुरुवार को आई तेज आंधी बारिश की वजह से काफी क्षति हुई, कई लोगों की जान गई तो कई लोग घायल भी हुए। इस बीच बीते दिन पंचायती राज विभाग मंत्री सम्राट चौधरी अपने नेक इरादे लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ करने पहुंचे। इस बीच कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौसम ने अपना करवट बदला और देखते ही देखते तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये सब देखते हुए भी सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं डाल सकता। इतना कहते हुए मंत्री दरभंगा में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम स्थल पर भीगते हुए शिलान्यास और योजनाओं को हरी झंडी दिखाते देखे गए। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में स्थिरता बनी हुई है। बिहार में भी ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति सामान्य बनी हुई है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण की दर में कमी आई है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन जारी
किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 39 रही। वहीं राज्य में कुल 80,413 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में महज 5 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जिसमें राजधानी पटना और दरभंगा में 2-2 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं एक ऐसे कोरोना संक्रमित है जो कि दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनका सैंपल यहां पर लिया गया है, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी गुरुवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2,259 नए मामले सामने आए हैं। विराट की फॉर्म में वापसी के बाद ट्विटर पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को अपने अंतिम ग्रुप मैच में हराते हुए प्लेऑफ की दौड़ बरकरार रखी है। गुजरात की टीम ने पहले खेलते हुए 168 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में खेलते हुए आरसीबी ने धमाकेदार खेला और इसका प्रदर्शन देते हुए 8 विकेट से मैच जीत ली। विराट कोहली की फॉर्म में वापसी देखी गई, वो 54 गेंद में 73 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह कोहली ने आरसीबी की जीत में अपना अहम योगदान दिया। कोहली की फॉर्म में वापसी को लेकर ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खड़े होकर नमन, क्योंकि किंग कोहली वापस आ गए हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये मत कहो कि किंग वापस आ गए हैं, क्योंकि वो कभी गए ही नहीं थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है निकिता कुमारी, मौसम राज, अमन कुमार, शंकर मुखिया, प्रिंस कुमार, उमेश कुशवाहा, मोहम्मद नौशाद, नीतीश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ छात्राओं को मिल पा रहा है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।